आदरणीय न्यायपीठ एवं प्रिय सह प्रतिभागीगण, आप सबों को मेरा सुप्रभात। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का छात्र होने के नाते मैं पूनम नंदन आदित्य आज पाटलिपुत्र की उस महान वैज्ञानिक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसने संपूर्ण विश्व के लिए शून्य से शिखर तक का मार्ग प्रशस्त किया। और इसी गुरु शिष्य परंपरा के कारण आज का मेरा विषय भविष्य में कार्य का स्वरूप है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध होने के नाते भविष्य की बात करते वक्त हमें यह ध्यान होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में वैज्ञानिक विकास के किसी भी कदम को सस्टेनेबिलिटी के आधार पर तय करना होगा। कुछ दिनों पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ फाउंडर क्लाउस मार्टिन ने कहा था कि विश्व में घट रहे अंधकार में भू राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों के बीच भारत आशा के सूर्य के रूप में चमक रहा है, अर्थात पूरे विश्व का भविष्य भारत में घटने वाली घटनाओं से प्रभावित होने वाला है। और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 21वीं सदी के मूल मंत्र के तौर पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। इंडिया एक्ट 2047 को लक्ष्य बनाकर और प्रधानमंत्री मोदी के इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2015 में स्किल इंडिया और 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई। नतीजन जो भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2015 में 81वें स्थान पर था वो आज की तारीख में 2022 के अंत तक आते आते आज 40वें स्थान पर है और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है। सस्ते सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम और आत्मनिर्भर भारतीय मिशनों के कारण आने वाले वक्त में स्पेस सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। औद्योगिक क्रांति 4.0 की वजह से सप्लाई और डिमांड पूर्णतः परिवर्तित होने वाले हैं। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे आत्मनिर्भर भारतीय मिशनों के कारण आने वाले वक्त में भारत में औद्योगिक कचरा विशेषकर कार्बन एमिशन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 के वैज्ञानिकों के अनुसार 6% प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़ने का खतरा है। और इसलिए भारत के एनर्जी नीड्स में ग्रीन एनर्जी नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने वाला है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस के सर्वेक्षण के अनुसार भारत 2030 तक 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से एनर्जी प्राप्त कर रहा होगा। भारत सरकार के एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में 59% फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी रखने वाला भारत 2030 तक 31.6% के सकारात्मक बदलाव के साथ सफल रहेगा। ग्लासगो 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत 2070 तक अपने नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका होगा। इसी लक्ष्य के साथ इस वर्ष के अंत तक भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलना शुरू कर चुकी होगी। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि स्टीम पावर पर आधारित 18वीं सदी की इंडस्ट्री 1.0 केवल और केवल किसानों के कच्चे माल पर आधारित थी। इलेक्ट्रिसिटी और मास प्रोडक्शन पर आधारित इंडस्ट्री 2.0 केवल और केवल युवाओं अर्थात जवानों पर आधारित थी। कंप्यूटर और प्रोग्रामेबल मेमोरी के ऊपर आधारित इंडस्ट्री 3.0 केवल और केवल विज्ञान पर आधारित थी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स पर आधारित इंडस्ट्री 4.0 केवल और केवल अनुसंधान पर आधारित है। अर्थात आने वाला कल 21वीं सदी के कौशल के रूप में अनुसंधान को समस्याओं का समाधान समझता है। और इसलिए हम ऑन द लाइटर नोट कह सकते हैं कि 18वीं सदी किसान की थी, 19वीं सदी जवान की थी, 20वीं सदी विज्ञान की थी और 21वीं सदी अनुसंधान की होने वाली है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस की वो बात हमें याद रखनी है कि वैज्ञानिक विकास के किसी भी नतीजे को सफलता तभी मिल सकती है यदि उसका प्रभाव लैब से लैंड तक, उसके विस्तार ग्लोबल से ग्रास रूट तक, उसके परिणाम जर्नल से जमीन तक, उसकी तस्वीर रिसर्च से रियल लाइफ तक और उसके नतीजे एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस तक पहुंच सके। निष्कर्ष के तौर पर केवल इतना ही कहूंगा कि शब्दों के किसी भी मायाजाल में भविष्य के आयामों का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि भविष्य संभावनाओं का वह महासागर है जहां अवसरों की अनेक संभावनाएं उपलब्ध हैं। जिसे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने कभी इस प्रकार कहा था कि सपने देखिए और खुलकर देखिए, क्योंकि सपने ही विचारों का रूप लेते हैं और विचार वैज्ञानिक करिश्माओं का। अंततः स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, कर रहा हमको नमन यह विश्व भी उस पार से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।